दोस्तों, तो आज मैं एक नया टॉपिक लेकर आया हूँ, तो वो है वॉल्यूम स्टिक पैटर्न। ठीक है, जिस तरह कैंडल स्टिक्स पैटर्न्स होते हैं, इसी तरह वॉल्यूम स्टिक पैटर्न भी होता है। ठीक है, कैंडल स्टिक पैटर्न क्या है? जैसे आपने देखोगे ये जो चार्ट है, चार्ट के अंदर जो कैंडल है, इनके कुछ पैटर्न्स होते हैं। मान के चलो बुलिश एनगल्फिंग, बियरिश एनगल्फिंग, पिनबर, बहुत सारे पैटर्न्स होते हैं। यानी कहने का मतलब, जैसे जिस तरह अपने कैंडलस्टिक पैटर्न होते हैं, इसी तरह क्या होता है, वॉल्यूम की भी पैटर्न होते हैं। ये जो नीचे वॉल्यूम देख रहे हो, इनके भी कुछ पैटर्न्स होते हैं, कुछ स्ट्रक्चर्स होते हैं, उसको बोलते हैं वॉल्यूम स्टिक पैटर्न। तो जिस तरह कैंडलस्टिक्स पैटर्न होते हैं, इसी तरह वॉल्यूम स्टिक पैटर्न भी होता है। तो आप लोगों ने, मैक्सिमम लोगों को ये जो वर्ड है ये नया लग रहा होगा। ठीक है, कि वॉल्यूम स्टिक पैटर्न के बारे में आप लोगों ने पहली बार सुने होंगे, बट ये होता है। ठीक है, तो कुछ आपको एग्जाम्पल दिखाता हूँ वॉल्यूम स्टिक पैटर्न के। फॉर एग्जाम्पल, आप देखोगे ये वॉल्यूम स्टिक पैटर्न का मतलब, ये जो वॉल्यूम के जो बार है, जो आप देख रहे हो ना, रेड कलर के वॉल्यूम, ग्रीन कलर के वॉल्यूम, ये जो कैंडल है, यानी वॉल्यूम के जो कैंडल है, उसको मैं बोल रहा हूँ वॉल्यूम बार। ओके, तो यहाँ पर देखोगे कि पहले एक रेड वॉल्यूम आए थे, उसके बाद एक छोटा सा रेड वॉल्यूम, उसके बाद एक इतना सा रेड वॉल्यूम आया। ये भी एक वॉल्यूम स्टिक पैटर्न है, कुछ आपको इस तरह के आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, कुछ आपको इस तरह को भी देखने को मिलेगा, कुछ आपको ये भी देखने को मिलेगा। उसके बाद ग्रीन वॉल्यूम आ गया है, कुछ आपको ये भी देखने को मिलेगा। दोनों इस तरह के वॉल्यूम आए हैं और उसके बाद ग्रीन वॉल्यूम यहाँ पर आ चुके हैं। ठीक है, तो बहुत सारे पैटर्न है, ये सारे वॉल्यूम स्टिक पैटर्न्स होते हैं, और भी बहुत सारे पैटर्न से सारे पैटर्न को मैं यहाँ पर ड्रॉ करने लग जाऊँगा तो टाइम निकल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखोगे, मैं यहाँ पर इसलिए बोल रहा हूँ कैंडलस्टिक पैटर्न, सॉरी वॉल्यूम स्टिक पैटर्न। देखिए, ये है पहले वॉल्यूम, फर्स्ट वॉल्यूम, ये सेकंड वॉल्यूम है, छोटा है, वॉल्यूम डिक्रीज हुआ है, सेलिंग वॉल्यूम डिक्रीज हुआ है, एंड थर्ड वॉल्यूम जो है, इसने सेकंड वॉल्यूम को ब्रेकआउट दिया, इसको बोलते हैं वॉल्यूम ब्रेकआउट। जिस तरह प्राइस का ब्रेकआउट होता है, तो यहाँ पर वॉल्यूम ब्रेकआउट भी होते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखोगे थर्ड वॉल्यूम ने सबको ब्रेकआउट दे दिया, सारे रेड वॉल्यूम को ब्रेकआउट दे दिया। यहाँ पर देखोगे, इस केस में देखोगे, इस ग्रीन कैंडल ने इस रेड वॉल्यूम को ब्रेकआउट दिया। यहाँ पर देखोगे इस केस में इस ग्रीन कैंडल ने सारे सेलिंग वॉल्यूम को ब्रेकआउट दिया। तो यहाँ पर है वॉल्यूम स्टिक, वॉल्यूम ब्रेकआउट बोलते हैं उसको, और इन ब्रेकआउट के साथ या जो भी पैटर्न बनता है उसको बोलते हैं वॉल्यूम स्टिक पैटर्न। ओके, तो ध्यान रखना, जिस तरह प्राइस के ब्रेकआउट होते हैं, इसी तरह वॉल्यूम का भी ब्रेकआउट होता है। जिस तरह प्राइस के पैटर्न होते हैं, कैंडलस्टिक पैटर्न होते हैं, इसी तरह वॉल्यूम स्टिक भी पैटर्न्स होते हैं, राइट? तो ये भी चीज़ ध्यान रखना, प्राइस के ब्रेकआउट से ज़्यादा पावरफुल है वॉल्यूम के ब्रेकआउट, प्राइस के कैंडलस्टिक पैटर्न से ज़्यादा पावरफुल है वॉल्यूम स्टिक पैटर्न। क्योंकि प्राइस को मैनिपुलेट किया जा सकता है, वॉल्यूम को मैनिपुलेट नहीं किया जा सकता। तो वॉल्यूम स्टिक पैटर्न बोलिए या वॉल्यूम ब्रेकआउट बोलिए, ये ज़्यादा पावरफुल है देन कैंडलस्टिक ब्रेकआउट, प्राइस ब्रेकआउट या उसके कैंडलस्टिक पैटर्न। ओके, तो मैं सारे चीज़ को मैं यहाँ पर समझा नहीं पाऊँगा, टाइम लगेगा। ठीक है, मैं आज इस पैटर्न की बात करूँगा, और इस पैटर्न को यूज़ करके कुछ सेटअप बनाया गया है, उसके मैं बात करूँगा। और ये जो सेटअप है, ये मेरे खुद के सेटअप है, मेरे पर्सनल सेटअप है, मैंने उसको खुद के पैटर्न कर रखा है। ये मान के चलो आप, ये मेरे पर्सनल सेटअप है, ये पैटर्नेड सेटअप है। तो ये आपको जो मैं आज सेटअप बताऊँगा, ये आपको कहीं नहीं मिलेंगे, ये गारंटी के साथ बोल रहा हूँ, तो इसको आप ध्यान से देखिए। और ये भी हो सकता है कि आज जो मैं बताऊंगा, हो सकता है कि एक महीने बाद YouTube में आपको मिल जाएंगे, क्योंकि जो मैं आज बताऊंगा या पहली बार आपको YouTube में मिलेंगे और कहीं नहीं मिलेगा। मैं फर्स्ट टाइम बना रहा हूँ ना, तो देखना एक महीने बाद कोई ना कोई इसको कॉपी करके बना देगा YouTube में। तो जो भी है, चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ। बेसिकली आज मैं इसके बारे में, देखिए ये पैटर्न बहुत सारे होते हैं, ठीक है, और सारे पैटर्न के साथ ट्रेड करना अलग अलग मेथड होते हैं, अलग अलग ट्रिक्स होते हैं, तो सारे ट्रिक्स को मैं यहाँ पर बता नहीं पाऊँगा, टाइम लगेगा। मैं आज इसके कुछ ट्रिक्स होते हैं, इसके बेसिस पर कुछ ट्रिक्स होते हैं, वो मैं आज आपको बताऊँगा, दिखाऊँगा। बैंक निफ्टी में मैं ट्रेड भी लिया था और दिखाऊँगा। और मैं बेसिकली मैं इसके बारे में क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि ये मैं आज आपको बताने वाला नहीं था। बेसिकली जो ट्रेनिंग कर रहे हैं लोग, उनके लिए बोल रहा हूँ, बेसिकली सबके लिए बोल रहा हूँ, बट खास तौर को मैं ये पांडे जी के लिए बोल रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि 28 फरवरी को कुछ पैटर्न्स बने थे, और उस पैटर्न बनने के बाद मैंने क्लियरली बोला था कि मैं यहाँ पर पुट नहीं लूँगा, मैं ओनली एंड ओनली कॉल बाई करूँगा, बैंक निफ्टी के कॉल बाई करूँगा, मैं कुछ भी हो जाए मैं पुट नहीं लूँगा, मैं कॉल बाई करूँगा बैंक निफ्टी के, ये मैं क्लियरली बोला था, ठीक है। और इसके पीछे रीज़न दिखाऊंगा, और मैं आज इसलिए वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि ये जो 28 फरवरी के जो दिखाने के लिए ये मार्च के फ्यूचर है, बैंक निफ्टी के मार्च के फ्यूचर के चार्ट है, ये चार्ट मार्च के बाद एक्सपायरी हो जाएगा। तो
तो मेरे पास टाइम भी नहीं मिलेगा, मेरे पास चार्ट भी नहीं मिलेगा, मैं उस चीज़ को दिखाने के लिए, यानी 28 तारीख को जो मैं ट्रेड लिया था उसको दिखाने के लिए, समझाने के लिए चार्ट मेरे पास नहीं मिलेगा, क्योंकि चार्ट यहाँ से एक्सपायरी हो जाएगा, निकल जाएगा। इसलिए मैंने आज वो वीडियो बना रहा हूँ, ताकि मैंने वो जो एग्जाम्पल है 28 फरवरी का, वो एग्जाम्पल मैं आप लोगों को दिखा सकूँ, बेसिकली खास तौर पर उनके लिए, पांडे जी के लिए, क्योंकि पांडे जी जो है उस दिन काफ़ी ज़्यादा रिक्वेस्ट कर रहे थे कि जल्दी जल्दी वो सीक्रेट बता दो कि ऐसा क्या सीक्रेट है जिससे आपने कॉल बाय किया, पुट बाय नहीं किया। तो मैं आपको दिखा तो ये 28 फरवरी के डेट पे आपको लेके चलूँगा, तो आपको दिखेगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए 28 फरवरी को जो है हमने एक बात यहाँ पर बोली थी कि भाई यार यहाँ पर ध्यान से देखिए, मैं पुट के लिए इंटरेस्टेड नहीं हूँ, थर्सडे का लो ब्रेक करेगा फिर देखा जाएगा, बट मैं यहाँ पर क्लियरली लिखा है कि अभी मैं कॉल, एक मिनट ये क्या हो गया, अभी मैं कॉल की अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहा हूँ। और यहाँ पर टाइम देखिए 10:08 पे बोला मैंने कॉल लेने के लिए, मैं ट्राई में कॉल लेने के लिए मैं सोचूंगा, ठीक है। और बाद में मैं क्लेरिफिकेशन भी दिया था, ठीक है, इट वॉज नॉट ए कॉन्ट्रा ट्रेड, क्योंकि कुछ लोगों ने सोचा कि कॉन्ट्रा ट्रेड होगा कि भाई मार्केट नीचे गिर रहा है और आप कॉल ले रहे हो, कॉन्ट्रा ट्रेड सोच रहे होंगे। मैंने बोला कॉन्ट्रा ट्रेड नहीं है, ये जो है एक पावरफुल सपोर्ट क्रिएट किया है, ठीक है, इसका मतलब है दैट्स वाई आई हैव मेंशनड नॉट टू ट्रेड इन पुट साइड, ओनली इंटरेस्टेड इन सी साइड। तो जो भी है ये मैंने बाद में अपडेट दिया था किसी के मैसेज पे, बट मैंने देखिए 10:08 पे मैंने बोला था मैं कॉल साइड में जाऊंगा, पुट साइड के मैं जाऊंगा नहीं, और मैं आज आपको दिखाऊंगा ये मैंने क्यों बोला था 28 तारीख को फरवरी को मैं लेकर चलता हूँ, ठीक है, 28 फरवरी को मैं लेकर चलता हूँ, और ये चार्ट यहाँ से निकल जाएगा, इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ जल्दी में, ताकि जो है ये मार्च के फ्यूचर नहीं तो हट जाएगा, और कोई रीज़न नहीं था यहाँ पर बनाने का, नहीं तो ये मैं आपको क्लास में ही बता सकता था, लेकिन क्लास में वो टॉपिक आया नहीं था, बेसिकली क्लास में वो टॉपिक आया नहीं था, अभी भी बाकी है इस टॉपिक को, इसलिए मैं यहाँ पर बता नहीं रहा हूँ वॉल्यूम स्टिक पैटर्न के बारे में। यहाँ पर देखोगे आप कि 28 फरवरी डेट देखिए आप, प्राइस नीचे गिर रहा है, ठीक है, धराधर करके हाई प्रेशर से नीचे गिर रहा है। मैंने तब उस नीचे गिरने के बाद मैंने कितना टाइम दिया था, 10:08 पे, और 10:08 पर देखिए टाइम देखना यहाँ पर क्या है, 10:05 और 10:10, ये देखिए ये कैंडल है 10 के कैंडल है, यानी मैंने 10:08 पे ही बता दिया था कि मैं यहाँ पर कॉल लूँगा, पुट की मैं कभी भी नहीं लूँगा, पुट के साइड के कोई इंटरेस्टेड नहीं हूँ, ओनली मैं कॉल की अपॉर्चुनिटी ढूंढूंगा, ये लिखा था मैंने, ठीक है। और ये क्यों लिखा था ये आपको आज बता देता हूँ, ध्यान रखना मैं इस सेटअप पे ही आज बात करूंगा, और ये मेरा पर्सनल सेटअप है, ध्यान रखना इस चीज़ को। मुझे क्या चाहिए ये मैं आपको बताता हूँ, मुझे चाहिए, वैसे तो देखिए, वैसे तो मैंने आपको बोला था कि सुबह के जो 9:15 की जो कैंडल है उसके वॉल्यूम को आप अवॉइड करिए, जैसे मैंने आपको क्लास में भी बताया था, ट्रेनिंग क्लास में, ठीक है। तो ये बताया था 9:15 की कैंडल एंड 3:30 की कैंडल को, कैंडल के वॉल्यूम एनालिसिस करने के लिए यूज़ मत करिए, उसको अवॉइड करिए, ठीक है, ये तो आपको बताया था। बट मैं इस सेटअप के लिए आपको बोल रहा हूँ, इस पर्टिकुलर इस सेटअप के लिए बोल रहा हूँ, सुबह मार्केट ओपन होने के बाद सुबह के 3 कैंडल यानी 9:15 के काउंट करके 3 कैंडल बननी चाहिए, ध्यान रखना। पहली कंडीशन क्या है, पहली कंडीशन यहाँ पर लिख देता हूँ, पहली कंडीशन ये होना चाहिए गैप डाउन, मार्केट जो बैंक निफ्टी है वो होनी चाहिए गैप डाउन, ओके। गैप डाउन होने के बाद सेकंड कंडीशन ये है, कुछ इस तरह के बोलेंगे, मार्केट गिर रहा है, जो वॉल्यूम है फर्स्ट कैंडल के वॉल्यूम ये है, सेकंड कैंडल के वॉल्यूम इतना है, और थर्ड कैंडल के जो वॉल्यूम है ये है, ठीक है। आप यहाँ पर देखोगे जो फर्स्ट कैंडल है, दैट मीन्स ये जो कैंडल है ये है 9:15 की कैंडल, यानी फर्स्ट कैंडल है। तो 9:15 को कैंडल को काउंट करके सुबह के 3 कैंडल को आपको देखना है, 3 कैंडल में इस तरह के वॉल्यूम होने चाहिए, फर्स्ट कैंडल सबसे ज़्यादा वॉल्यूम, सेकंड कैंडल सबसे छोटे वॉल्यूम, एंड थर्ड कैंडल जो है ये देखिए दोनों कैंडल के बीच का वॉल्यूम है, इंटरमीडिएट है। तो सबसे पहले क्या होना चाहिए, गैप डाउन मार्केट होनी चाहिए, गैप डाउन के बाद सुबह के पहली कैंडल 3 कैंडल ऐसी बननी चाहिए रेड कैंडल, जिसके वॉल्यूम कुछ इस तरह के पैटर्न बनना चाहिए। यह जब बन जाएगा इसका मतलब यह है कि यहाँ पर उसने एक सपोर्ट क्रिएट कर चुका है। ये बनने के बाद मैं यहाँ पर ऑलवेज कॉल बाय करने के लिए अपॉर्चुनिटी ढूंढूंगा, ठीक है। जब प्राइस यहाँ पर तो ऊपर जाएगा, जाने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, प्राइस अगेन यहाँ पर नीचे आएगा, 100% गारंटी यहाँ पर नीचे आएगा। प्राइस नीचे आने के बाद बिल्कुल इस लेवल पर सपोर्ट लेगा, और जैसे ही इस लेवल पर प्राइस पहुँचेगा,
कोई भी मुझे अगर सिग्नल दिखता है बाइंग करने का, थ्रस्ट मिल जाए, पिन बार मिल जाए, बुलिश एनकल्फिंग मिल जाए, आउटसाइड कैंडल मिल जाए, जो भी है मैं यहाँ पर कॉल बाई करूँगा। ध्यान रखना इस केस में इसके नीचे ब्रेकडाउन भी देगा तो मैं यहाँ पर पुट बाई नहीं करूँगा, क्योंकि मेरे एंड मेरे ओनली व्यू जो है वो कॉल साइड का होगा। मैं अगेन बता देता हूँ, क्या बताया था आपको, गैप डाउन होना चाहिए। गैप डाउन होने के बाद सुबह के तीन कैंडल कुछ इस तरह बनने चाहिए जिसके अंदर वॉल्यूम के कुछ इस तरह पैटर्न है, ठीक है, तब जाके मैं कंफर्म हो जाऊंगा कि मुझे कॉल ही बाई करना है। अब मैं वेट करूंगा कि मार्केट को थोड़ा सा ऊपर जाएगा, ध्यान रखना वेट करूंगा मार्केट थोड़ा सा ऊपर जाएगा, जाने दीजिए मार्केट अगेन उस लेवल पर आएगा। जैसे यहाँ पर आएगा, यहाँ पे आने के बाद कोई भी बुलिश सिग्नल दिखता है मैं इमीडिएटली एंट्री ले लूँगा और मार्केट को मैं वॉच करूँगा, दैट मीन्स मैं ट्रेल करते जाऊँगा। ओके, ये है मेरी सेटअप, ये सेटअप हो गया मेरा एक गैप डाउन के लिए, यानी कॉल बाई करने का सेटअप है। अब मैं उसका अपोजिट चलता हूँ पुट बाई करने का, पुट बाई करने का सेम सेटअप होगा। यहाँ पर डिफरेंस क्या होगा, यहाँ पर होना चाहिए गैप अप, यहाँ पर होगा गैप अप ओपनिंग, बैंक निफ्टी गैप अप ओपनिंग होगा, दैट मीन्स कैंडल के स्ट्रक्चर कुछ इस तरह बनेंगे। ओके, गैप अप ओपन हुआ, वॉल्यूम के स्ट्रक्चर कुछ इस तरह बनेंगे। और थर्ड वाला देखना, बार बार बोल रहा हूँ, थर्ड वाला देखिए इंटरमीडिएट है, पहले वाले बड़ा है, सेकंड वाला छोटा है, और थर्ड वाला जो है इंटरमीडिएट है, बीच का है, कुछ इस तरह बनेगा। गैप अप होने के बाद ध्यान रखना, गैप अप होने के बाद कुछ इस तरह बना, इसका मतलब इसने यहाँ पर रेजिस्टेंस क्रिएट कर दिया। मैं यहाँ पर जो व्यू होगा मेरा ओनली यहाँ पर पुट बाई करने के व्यू होगा, मार्केट थोड़ा सा नीचे गिरेगा, थोड़ा सा नीचे गिरेगा, गिरने दीजिए, मार्केट अगेन यहाँ तक आएगा ही आएगा, अगेन यहाँ तक आएगा ही आएगा। जैसे यहाँ पर आएगा, आने के बाद कोई भी बेयरिश सिग्नल दिखता है मैं यहाँ पर पुट बाई करूँगा। इस केस में अगर ये ब्रेकआउट देके ऊपर निकलता है मैं कॉल बाई नहीं करूँगा, कॉल बाई नहीं करूँगा, मेरे व्यू यहाँ पर ओनली है पुट बाई करने का, यहाँ पर पुट बाई करूँगा। तो ये है सेटअप, अब मैं इसको आपको चार्ट पे दिखाता हूँ। देखिए बहुत सारे सेटअप है, मैं सारे सेटअप को यहाँ पर एक्सप्लेन नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि ये मेरे बहुत सारे जो सेटअप है इसके वॉल्यूम स्टिक पैटर्न के बेसिस पर, ये मेरे पेटेंटेड सेटअप है, मेरे खुद के है, पर्सनल है, तो मैं यहाँ पर ओपनली पब्लिकली मैं ये चीज़ आपको दिखा नहीं सकता। ये मैं सेटअप आज इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि रीज़न मैं आपको बता दिया था, क्योंकि ये मार्च के एक्सपायरी के चार्ट खत्म हट जाएगा, इसलिए जल्दी जल्दी मुझे बताना ये ज़रूरी था, इसलिए बता रहा हूँ। बाकी मैं आपको ट्रेनिंग क्लास में बताऊँगा, तो पांडे जी डोंट वरी, आपको सारी चीज़ मिल जाएगी। इस वॉल्यूम स्टिक पैटर्न के एक सेटअप आपको बता रहा हूँ, बाकी आप क्लास में आपको पता चल जाएगा बाकी सेटअप्स, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 28 फरवरी देखिए गैप डाउन हुआ है मार्केट, देखिए ये प्रीवियस डे के क्लोजिंग है और यहाँ पर गैप डाउन हुआ है, ठीक है। गैप डाउन होने के बाद ध्यान से देखना आप रेड कैंडल तीन और सुबह के तीन रेड कैंडल और वॉल्यूम के सेटअप को देखिए, सबसे बड़ा, उसके बाद देखिए सबसे छोटा, और थर्ड वाला जो है इंटरमीडिएट है, आप देखोगे यहाँ देखिए, ठीक है। इसका मतलब यहाँ पर सपोर्ट उसने क्रिएट कर चुका है। अब मैं यहाँ पर जो है ये जो जोन है मेरा, ये बाइंग जोन है, ध्यान से सुनना, ये मेरा जोन है, ये मेरा बाइंग जोन है, यहाँ पर आने के बाद कुछ भी पैटर्न मिलेगा मैं बाई करूँगा। और पांडे जी या बाकी अदर्स मेंबर्स जो है, आप ये भी देख सकते हो यहाँ पर एक स्टॉपिंग एक्शन है। स्टॉपिंग एक्शन जब बनता है तो क्या बताया था मैंने आपको क्लास में, स्टॉपिंग एक्शन जब भी बनता है तो क्लास में आपको बताया था, स्टॉपिंग एक्शन या क्लाइमेक्स सिचुएशन जब भी आते हैं तो इसका मतलब है कि ये मार्केट W पैटर्न बनाएगा ही बनाएगा, ये बताया था ना आपको क्लास में। जब भी स्टॉपिंग एक्शन या क्लाइमेक्स कंडीशन आ जाते हैं इसका मतलब ये है कि W पैटर्न बनाएगा ही बनाएगा, गारंटी। तो आप वेट करिए, W पैटर्न बनाएगा और उसी जगह वो टेस्ट करने आएगा ही आएगा, ये आपको क्लास में बताया था, आपको याद होगा, ठीक है, रिसेंटली बताया था, कल के क्लास में बताया था आपको, ठीक है। तो आपको W पैटर्न बनेगा, उसके बेसिस पे आप ट्रेड बिल्कुल यहाँ पर लीजिए। तो आपने देखे होंगे, मैंने जो बार बार मैं ट्रेड लेता हूँ, आपने चैनल पर देखे होंगे या ट्रेनिंग ग्रुप में देखे होंगे, मैं हमेशा कहाँ पर लेता हूँ, मैक्सिमम टाइम देखे होंगे आप मेरे को, या तो मार्केट के टॉप पकड़ता हूँ या तो मार्केट के बॉटम पकड़ता हूँ, या तो मार्केट के टॉप में मैं पुट लेता हूँ या तो मार्केट के बॉटम में मैं कॉल लेता हूँ, ठीक है। आपने देखे होंगे ये चीज़, तो इसका रीज़न ये है, इसका रीज़न ये है कि इसका ट्रिक्स ये है, एक तो ये है कि वॉल्यूम स्टिक पैटर्न, और दूसरा ये है कि स्टॉपिंग एक्शन एंड क्लाइमेक्स, क्लाइमेक्स ये दोनों से मैं क्या करता हूँ, मार्केट के टॉप एंड बॉटम पकड़ता हूँ, ठीक है। तो जो लोग नहीं है उनको भी आपको दिखाया, तो नहीं तो भाई होता है ना कि होने के बाद हर कोई बता जाता है यहाँ कुछ नहीं है। यहाँ पर देखिए मैं बार बार इस चीज़ को रिपीट करता हूँ उनके लिए जो लोग यहाँ पर, यानी देखिए ये फैमिली ग्रुप है, अभी फैमिली ग्रुप पे दिखाया था ना आपको, फैमिली ग्रुप में, यहाँ पर देखिए फैमिली ग्रुप में रिवर्सल के लिए देख सकते हो, मैं ट्रेड नहीं लूँगा, सिस्टम बंद है, टाइम देखिए। चलिए मैं एक काम करता हूँ, फैमिली ग्रुप का दिखाया, तो नहीं लोगों को लगेगा कि भाई क्या बोलते हैं उसको, ये कब के थे, फ्राइडे के थे ना, नहीं ये मैं आपको दिखाता हूँ,
ट्यूजडे नहीं, ये आपके फ्राइडे की ट्रेडिंग थी, फ्राइडे की थी अपनी 25 तारीख को जंप। देखिए ये एक दिन नहीं डेली दिन के है, सिर्फ डेली दिन का है ये, 25 तारीख को देखना आप। मैं यहाँ पर क्या लिख रहा था, 2:00 पे बताया था ये देखिए, 2:25 तारीख को 2:21 पे बताया था। नाउ रिवर्सल के लिए देख सकते हो, मैं ट्रेड नहीं करूँगा, सिस्टम बंद है मेरा, बट मैंने 2:21 पे बताया था रिवर्सल के लिए देख सकते हो। और आपको बैंक निफ्टी में देखना है, आपको एक चीज़ आपको दिखा देता हूँ, 2:21 कहाँ था, 2:21 ये देखिए, 2:21 ये इस टाइम मैंने बताया था कि रिवर्सल के लिए देख सकते हो। और उसके बाद देखिए प्राइस कहाँ भागा, अगेन पकड़ा हमने बटन। और आपको दिखना है, बहुत सारे आपको दिखेंगे, बहुत सारे केस आपको दिख जाएगा, इसलिए दिखा रहा हूँ कि कुछ लोगों को डाउट होगा, इसलिए मैं बाकी जो लोग क्लास करें उनको पता होगा, जो फैमिली ग्रुप के मेंबर है उनको पता होगा कि कहाँ पे पकड़ता हूँ मैं। ये देखिए एक और ट्रेड लिया था, ठीक है, टाइम देखना 1:26:16 डेट क्या है, 24 मार्च, ध्यान रखना 1:16 मार्च 24, ठीक है, मार्च 24 का 1:16 दिखाता हूँ आपको। टाइम देखिए 1:16, ये देखिए 15 देख रहे हो, 1:15, ये देखिए नीचे टाइम। और यहाँ पर ट्रेड लिया था, एक झटके में कहाँ गया था, एक झटके में यहाँ से कहाँ गया था, पता है ऑप्शन प्रीमियम कितना बड़ा था एक झटके में, एक झटके में ऑप्शन का जो प्रीमियम है 246 पे लिया था, वो 400 के आसपास हो गया था एक झटके में। लेकिन चेक करिए देखिए, 246 से 400 इसका इंतजार था, तो यह बॉटम से अगेन पकड़ा। और भी बहुत सारे आपको डेली मिलेंगे, आपको डेली मिलेंगे, मैं हमेशा क्या करता हूँ बॉटम से पकड़ता हूँ। ये देखिए अगेन पावर ऑफ बाइंग, जो बैंक निफ्टी बूम्ड, अगेन कॉट फ्रॉम बॉटम, बहुत सारे एग्जांपल मिलेंगे, अगेन कॉट फ्रॉम बॉटम, अगेन सेम पैटर्न सेम सिनेरियो, ठीक है। और मिलेगा आपको सी बुक रीजन फॉर सी बाइंग मार्क टू डेट रेड कलर, दिस इज अनदर एग्जांपल बॉटम पिकिंग। तो कहने का मतलब है जो बॉटम पिकिंग कर रहा हूँ, यानी बॉटम से मैं पिक कर रहा हूँ, कॉल बाय कर रहा हूँ, टॉप से बिल्कुल टॉप से मैं पुट बाय कर रहा हूँ, इसका रीज़न यही है, एक तो वॉल्यूमेट्रिक पैटर्न है और एक तो है स्टॉपिंग एक्शन एंड क्लाइमेक्सिंग। तो यहाँ पर जो पांडे जी बता रहा था आपको कि यहाँ पर मैं क्या दिखाया था 28 फरवरी को, अब जल्दी जल्दी मैं निपटाऊंगा उसको, 2-3 एग्जांपल और है मैं आपको दिखा दूंगा, फिर उसको बंद करेंगे। 28 फरवरी को कहाँ गया था, 28 फरवरी को ये था 28 फरवरी, अरे कहाँ गया, ये देखिए। तो यहाँ पर देखिए एक तो क्या था यहाँ पर पांडे जी, यहाँ पर एक ये था कि स्टॉपिंग वॉल्यूम है, स्टॉपिंग वॉल्यूम, स्टॉपिंग एक्शन, सेलिंग सब कुछ आ जाता है यहाँ पर, इसका मतलब मार्केट यहाँ पर डब्ल्यू बटन बनाएगा और हमने यहाँ पर वेट किया। तो यहाँ पर आज की क्लास में मैं स्टॉपिंग एक्शन की बात नहीं कर रहा हूँ आज की क्लास में, हाँ ये स्टॉपिंग एक्शन से मुझे क्लियर हो चुका है कि ये मार्केट डब्ल्यू बटन बनाएगा, ये तो क्लियर हो चुका है, बट आज की क्लास में मैं स्टॉपिंग एक्शन के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पर सिर्फ आज की क्लास में वॉल्यूम स्टिक पैटर्न के बारे में बात कर रहा हूँ। तो वॉल्यूम स्टिक पैटर्न को आप देखिए, ठीक है, अब देखिए ना बन गया ना ये, तो बनने के बाद आपको ट्रेड लेना है कॉल साइड, और सेम सेटअप आपको ये और बने थे, 2 सेटअप आपको और दिखा दूंगा आपको, प्रीवियसली आपको बने थे, ये बना था 21 फरवरी को शायद, यस 21 फरवरी को भी बना था, सेम सेटअप नहीं 23 फरवरी को भी बना था, यस 23 फरवरी। यहाँ पर भी देखिए ध्यान से देखिए आप, यहाँ पर देखिए मार्केट ऊपर गया था, यहाँ पर वॉल्यूम के सेटअप को देखिए, वॉल्यूम को जूम करता देखना आप, ये देखिए जो वॉल्यूम के सेटअप बना ना, ये देखिए ये वाला वॉल्यूम देखना थोड़ा सा ज़्यादा है, बीच में से थोड़ा सा ज़्यादा है, देखिए ध्यान से देखना थोड़ा ज़्यादा है, इसका मतलब यहाँ पर रेजिस्टेंस क्रिएट हो चुका है और ये ऑल्सो मेरा स्टॉपिंग एक्शन है, दैट मीन्स डब्ल्यू बटन बनाएगा, ये पहले से क्लियर हो चुका है। और देखिए मार्केट यहाँ से ऐसे गया और यहीं से सीधा गिरा, एक दिन और सेटअप बना था, यानी 3 सेटअप बने थे इस वॉल्यूम के बेसिस पर, 3 सेटअप बने थे इस मार्च के एक्सपायरी के हिसाब से, और अपने जो स्टॉपिंग एक्शन और क्लाइमेक्सिक एक्शन है उसके बेसिस पर तो डेली पैटर्न बनते हैं। आपने ट्रेड भी ले रहे होंगे, मैं भी ले रहा हूँ, दिखा भी देता हूँ आप लोगों को, दिखाता हूँ ना, तो आपको डेली पैटर्न मिलते हैं। देखिए एक और एग्जांपल है इस पैटर्न का, स्पेशली इस पैटर्न का, वॉल्यूमिस्टिक पैटर्न का, गैप डाउन मार्केट हुआ, वॉल्यूम पैटर्न को देखिए दिख गया, इसका मतलब क्या निकल के आता है, यहाँ पर सपोर्ट उसने क्रिएट कर दिया। आप यहाँ पर हुआ क्या था आपको दिखाऊँ, यहाँ पर प्राइस ने ब्रेक इस, एक मिनट हटाइए, ये देखिए लो,
आप देखना, ध्यान से देखना, इस श्लोक को उसने प्राइस ने ब्रेक डाउन दिया कि नीचे भी गया था, लेकिन मैं क्या बताया था, मैं पुट नहीं लूँगा, मेरे जो ओनली यहाँ पर व्यू है, ये देखिए प्राइस ने यहाँ पर नीचे भी गया था ब्रेक करके, लेकिन मैं क्या बताया था, मेरे यहाँ पर पुट नहीं, ओनली यहाँ पर मैं कॉल बाई करूँगा, बिल्कुल यहाँ पर कॉल बाई करूँगा। और यहाँ पर आने के बाद देखिए अगेन बुलिश एंगलिंग बनाया था, जैसे क्या बताया था, इस लेवल पर प्राइस पहुँचेगा, यानी ये सेटअप बन चुका है, गैप डाउन हो गया है, सेटअप बन चुका है, वॉल्यूम पैटर्न बन चुका है, दैट मीन्स यहाँ पर सपोर्ट क्रिएट कर चुका है। प्राइस अगेन जैसे इस लेवल पे आएगा, कोई भी बुलिश पैटर्न बनेगा, पिन बार थ्रास्ट पिन बार बन जाए, बुलिश एनगल्फिंग बन जाए, आउटसाइड बन जाए, कुछ भी बन जाए, मैं यहाँ पर कॉल लूँगा और उसके बाद देखिए मार्केट कहाँ से कहाँ गया। तो ये सिंपल वॉल्यूम स्टिक पैटर्न है, ठीक है। तो आपको सिर्फ एक पैटर्न बताया था, तो बाकी पैटर्न जो है मैं क्लास में बताऊँगा, डोंट वरी, आप ऐश करिए, एंजॉय करिए, और आज फिर क्लास होगी, आज की क्लास ज्वाइन कर लेना आप लोग। तो ठीक है, मैं यहाँ पर एंड करता हूँ सिस्टम को, मतलब उसको बंद करता हूँ।